जयपुर से लैपटॉप लूट करने वाले गिरोह से जुड़ा मामला। दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्यामलाल गुप्ता और गिरिराज शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लूटे गए लैपटॉप को महज 2000 में खरीदते थे। और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद लैपटॉप को 25,000 रुपए में बेच दिया करते थे, 2000 में खरीदकर। अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा लैपटॉप खरीदना कबूल किया है आरोपियों ने। आरोपियों ने रायसर प्लाजा में लैपटॉप खरीदने और बेचने की दुकान भी खोल रखी है। चौगुना मुनाफा कमाने के लिए लैपटॉप लुटेरों के साथ मिली भगत सामने आई है इनकी। मानसरोवर इलाके में लैपटॉप लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही थी डीसीपी साहब करीम बहावा के निर्देशन में, और इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपियों को। और विस्तार से जानकारी लेंगे इसी खबर पर। एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। जी यादवेंद्र, देखिए भारती, बिल्कुल, जब शामनगर इलाके के अंदर क्राइम ब्रांच टीम ने एक लैपटॉप लूट करने वाली जो गैंग का पर्दाफाश किया था, और उसमें 3 आरोपियों को पहले तक पहुंचा था, उन्हीं 3 आरोपियों से यहां पर पूछताछ हुई थी और लंबी जो इंट्रोगेशन चली थी, उसके बाद 2 नाम और सामने आए थे, जो ये दोनों नाम थे। लेकिन इन दोनों बदमाशों ने जो लैपटॉप जो लिए थे वो इन बदमाशों से लिए थे जो पहले शामनगर थाना पुलिस ने जो अरेस्ट किए थे, क्योंकि जो शामनगर में जो पकड़े गए बदमाश थे वो इन लैपटॉप जो थे, मोबाइल जो थे, उनको लूट कर ये बदमाश इन दोनों को दे देते थे। और ये जो दोनों जो खरीदार हैं बेसिकली, जिनको मानसूर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये लूटे गए लैपटॉपों को मैन औने पौने दामों में यहाँ पर खरीद लेते थे, जिसमें चाहे 2000 की रकम हो चाहे 3000 रुपए की रकम, 2 से 3000 रुपए में ये इस लैपटॉप को, जो लूटे गए लैपटॉप इनको खरीदते थे, और इनको बाजार में महज, माफ कीजिएगा, 25,000 रुपए की रकम से कम में ये बेचते नहीं थे। यानी 4 गुना से 5 गुना मुनाफा ये है जो इन लैपटॉपों से कमाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला इन्होंने अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो लैपटॉप थे उन बदमाशों से यहाँ पर खरीदे थे औने पौने दामों में, और उसके बाद उसको बाजार में खपाया है। तो ऐसे में बदमाशों के साथ मिली भगत का जो खेल था, इन दोनों शख्स जो है श्यामलाल गुप्ता और साथ में गिरिराज शर्मा, इन दोनों के जरिए यहाँ पर चल रहा था। दौसा और सांभर के रहने वाले हैं मूल रूप से दोनों आरोपी, और यहाँ पर रायसर प्लाजा जो एक मॉल पड़ता है, यहाँ पर मोबाइल स्टोर है और काफी लैपटॉप और कंप्यूटर के जो स्टोर है वो इस मॉल के अंदर, यहाँ पर इन्होंने दुकान खोल रखी थी और यहीं से अपना जो नेटवर्क थे वो चलाते थे। सस्ते दामों पर लैपटॉप खरीदना और चोरी के लैपटॉप और लूट के लैपटॉप और उनको बाजार में चौगने दामों में बेच देना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मानसूर थाना प्रभारी दिलीप कुमार सोनी, उन्होंने को यहाँ पर टास्क मिला हुआ था, क्योंकि मानसूर इलाके के अंदर भी एक लैपटॉप लूट की घटना हुई थी, जहाँ पर एक महिला थे, ये जो बदमाश थे ये लैपटॉप लूट करके फरार हो गए थे, और उसी की पुलिस जो तलाश कर रही थी। लेकिन शामनगर थाना पुलिस ने जब गैंग को दबोचा तो इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, और उसी के बाद मानसूर थाना इलाके की जो वारदात थी उसका भी यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। बिल्कुल, फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है, मानसूर थाना प्रभारी है दिलीप कुमार सोनी और उनकी जो टीम है, वो लगातार इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो लैपटॉप खरीदने वाले और लोग हैं, कौन कौन लैब लोग हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर जो पुलिस है वो जानकारी जुटा रही है। भारतीय, बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।